मैंने कहा जितने शैतान ने आपके रास्तों को बंद किया से खुले यीशु के नाम से, आपके रास्ते खुले, आप ऊंचे किए जाएं, हर काम में, हर चीज में, जॉब में, जो भी आप चीज करते हो, मैंने कहा आप ऊंचे किए जाएं, आप ऊंचे किए जाएं, आपके बंद रास्ते खुले यीशु के नाम से। जो शैतान ने आपकी ब्लेसिंग में जो रुकावट दी है, आपके बिजनेस, आपके काम में, वो सब रुकावटें जाएं और आप ऊंचे किए जाएं। ये सिर्फ इस परिवार के लिए चिन्ह है। अगर वो एकदम से तिहाड़ी, कभी लगी कभी नहीं लगी, 15,000 की जॉब दे सकता है स्टार्ट में, तो कल को वो 25-30-50 भी दे सकता है। हालेलुया। इस बहन का नाम सिमरन है और चिमुदल गांव के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही जे बता रहे हैं, इनके हस्बैंड की गवाही है। पहले हम उसकी पिक को देखेंगे, और जे इनके हस्बैंड है और जे बता रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया है, इनके जो हस्बैंड थे वो दिहाड़ी करते थे और उनके पास अपना काम नहीं था। जे बता रहे हैं कि जो भी वो दिहाड़ी करते थे, कभी 300 कभी 400 ऐसे जो पैसे मिलते थे उनसे इनके घर का गुजारा नहीं होता था, जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे। जे बता रहे हैं कि 6 महीने हो गए थे कि इन्होंने किसी से 5,000 रुपया लिया था और वो भी इनसे दिया नहीं जा रहा था, और जे काफ़ी परेशान थे क्योंकि वो भी बार बार इनसे पैसों के लिए कहते थे पर इनसे पैसे नहीं थे। तो जे बता रहे कि जितने पैसे इनके हस्बैंड काम से लेकर आते थे वो घर में ही खर्च हो जाते थे, और जे काफ़ी परेशान थे। और जे बता रहे कि जैसे जे सिस्टर ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हो, और जे प्रार्थना में बने रहे, धन्यवाद करते रहे, और जब जे सिस्टर 23 फरवरी की मीटिंग में आए तो प्रभु के दास जब दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा ब्लेसिंग वर्ड्स आया कि जो शैतान ने आपके रास्ते को बंद किया है और परमेश्वर आपको काम से जॉब के साथ बहुत ही ऊँचा करने वाले हैं। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मैंने कहा जितने शैतान ने आपके रास्तों को बंद किया से खुले यीशु के नाम से, आपके रास्ते खुले, आप ऊंचे किए जाएं, हर काम में, हर चीज में, जॉब में, जो भी आप चीज करते हो, मैंने कहा आप ऊंचे किए जाएं, आप ऊंचे किए जाएं, आपके बंद रास्ते खुले यीशु के नाम से। जो शैतान ने आपकी ब्लेसिंग में जो रुकावट दी है, आपके बिजनेस, आपके काम में, वो सब रुकावटें जाएं और आप ऊंचे किए जाएं। मैंने कहा आप ऊंचे किए जाएं यीशु नासरी के। और जैसे ही इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया तो जे बता रहे कि परमेश्वर ने इनके हस्बैंड के रास्ते को खोला, और जे बता रहे कि परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को काम दिया, सेंट्री का काम है किसी शॉप पर, और वहाँ से सेंट्री का जो सामान है वहाँ सेल करना है। तो जे बता रहे कि वहाँ पर जो सैलरी थी, उन्होंने कहा कि आपकी 15,000 सैलरी होगी, और उन्होंने कहा कि आप कल से ऐसे काम पर आ जाएं। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि हमारा ऐसे 5,000 रुपया है, किसी को हमने देना है, हमने लिया था पर हमसे दिया नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि आप एडवांस में ही 5,000 लें, और जैसे इनकी चाहत थी तो उन्होंने 5,000 रुपया भी इनको दे दिया, और प्लस 15,000 सैलरी के साथ भी ब्लेस कर दिया। और अभी परमेश्वर ने अपने काम से इनके हस्बैंड को ब्लेस किया है, और इन्होंने परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद किया कि आज हमारा जो 5,000 था वो भी दिया गया, और प्लस जो हमारे हस्बैंड के पास अच्छा काम नहीं था, जो दिहाड़ी कभी मिलती थी कभी नहीं थी मिलती, और उन पैसों से घर का गुजारा नहीं होता था का, और बहुत परेशान थे, आज परमेश्वर ने काम के साथ भी ब्लेस किया और प्लस उस पैसों से भी इनके बोझ को हल्का कर दिया है। और इस गवाही के लिए जे परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे। क्लीसिया नाथ रखा दुनिया ते नाथ रा लेना है, नाथ रखा दुनिया ते नाथ रा लेना है, मैं तू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु तो सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे इनकी गवाही सुनकर मैं बड़ा क्या हुआ, जैसे इनके पति मजदूरी का काम करते, दिहाड़ी लगाते थे, कभी लगती थी कभी नहीं लगती थी,
हाँ क्या थी, कभी लगती थी, और ऊपर से ही है ना, अगर कोई सोचे तो 5,000 क्या है, कुछ भी नहीं है, पर जब होता नहीं है तो उसके लिए 5,000 भी 5 लाख जैसा होता है। हाँ 5 लाख भी 5,000, 5,000 5 लाख जैसा होता है, पर परमेश्वर जानता है। बोलो क्या है परमेश्वर, आपकी हर एक जरूरतों को वो जानता है। अरे कोई छोटी बात नहीं है, 15,000 स्टार्टिंग ही, 15,000 से इनकी सैलरी इनके पति की लग गई स्टार्टिंग से। और सुनो सुनो, इन्होंने कहा है कि वो कहते कल आओ, कहते नहीं हमने किसी के पैसे देने हैं तो पहले वो उनके दे दें तो फिर आएंगे। कहते कितने हैं, कहते 5, कहते ये लो एडवांस। अरे इसीलिए तो उसने कहा हे बहुत तले लोगों मेरे पास आओ। हम किसके पास आए हैं, हम किसके पास आए हैं, तो अपने सारे बोझ आज से खुदावंद को देकर चलो, वो अपने आप आपके सारे रास्तों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो सारे रास्ते अपने आप को खोलेगा। ये सिर्फ इन इस परिवार के लिए एक चिन्ह है। अगर वो एकदम से एक दिहाड़ी कभी लगी कभी नहीं लगी 15,000 की जॉब दे सकता है स्टार्ट में, तो कल को वो 25, 30, 50 भी दे सकता है। इनका घर नहीं है अपना, ये रेंट पर रहते हैं। सुनो इनकी माइक देना, इनकी एज कितनी होगी, आपकी उम्र कितनी होगी है? जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह की। पापा जी 40 साल की रेंज हो गई है उम्र, 40 के 40 से प्लस हो गई, 40 साल हो गए यानी पापा जी। तो इनके अभी कोई बच्चा नहीं है, परमेश्वर ने वो भी दे चुका है, क्योंकि मैंने इनके मन को अच्छा, मैंने इनके दिल को बड़ा ऐसे देखा है कि इनका मन खुदा के लिए बहुत ही अच्छा है। बोलो क्या है, मन बहुत ही अच्छा है। मैंने इनको इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, बेटी के बेटा, कहते नहीं बेटी। अरे सालों बाद बच्चा मिलना है और कहते बेटी नहीं, परमेश्वर आपको बेटा देगा। मैंने कहा आपको वो बेटा देगा। धन्यवाद करते रहना, मैं आपको पहले भी वर्ड दे चुका हूं परमेश्वर मेरे मुंह से, क्योंकि आज भी हमने सुना है ना। तो कि गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे चुके हैं। आमीन।